वो शख्स जो अपने धर्म से ना जुड़ा हो, वो शख्स जो अपने धर्म की कदर नहीं करता हो, वो शख्स जो किसी के बहकावे में आकर अपना धर्म बदल ले, वो शख्स जो किसी दूसरे धर्म के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लव जिहाद के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सद्दिका मनोहर सोनी। आज हम आपको बताएंगे लव जिहाद क्या होता है। नाम तो आपने सुना ही होगा, लव जिहाद। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, लव जिहाद मतलब प्रेम का ढोंग रचना या अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपने धर्म का प्रयोग करना और अपनी पूरी ताकत उस दूसरे धर्म के खिलाफ इस्तेमाल कर सामने वाले व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, या फिर कहे कि प्यार का झूठा झांसा देकर व्यक्ति का ब्रेन वॉश करना। इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। दिन प्रतिदिन देश में लव जिहाद के मामले रुकने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसी मुद्दे से प्रभावित होकर महाराष्ट्र सरकार ने इस पर विचार किया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद पर जल्द ही कानून ला सकती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इसके संकेत दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून लाने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन कोई निर्णय लेने से पहले अन्य राज्यों के बारे में जानकर इसी तरह के कानून के बारे में पढ़ाई की जाएगी और फिर इस पर लॉ बनाया जाएगा। साथ ही फडणवीस ने कहा कि लड़कियों की शादी और धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, इस तरफ से इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग हो रही है। इससे पहले भी मैंने सदन में घोषणा की थी, इसके मुताबिक विभिन्न राज्यों के कानूनों का अध्ययन जारी है और महाराष्ट्र में इसके बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें, 24 मार्च को फडणवीस ने लव जिहाद को साजिश बताया था। उन्होंने लव जिहाद पर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है। अब हम आपको बताते हैं कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए देश के किन किन राज्यों में क्या क्या कानून है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 के तहत 3 साल की कैद और 50,000 तक का जुर्माना, SC/ST के मामले में 4 साल तक की कैद और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 के तहत 5 साल तक की कैद और SC/ST के मामले में 7 साल तक की कैद और जुर्माना। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 के तहत 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। तो ये थे कुछ राज्य जिनमें अलग अलग एक्ट के तहत अलग अलग कानून सरकार की ओर से तय किए गए थे। धन्यवाद।